अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम बनाएंगे एक नई डिश जिसका नाम है अंडा सोयाबीन मसाला। जी हाँ, अंडा सोयाबीन मसाला बहुत ही आसान तरीका है। इसमें हम अंडा और सोयाबीन दोनों ही चीज़ें मिलाएंगे। बहुत ही ताकतवर है और बहुत ही टेस्टी भी है, और बहुत ही आसान तरीका मैंने आपसे शेयर की हूँ। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए और झटपट सीख जाइए कि अंडा सोयाबीन मसाला हम किस तरह बनाते हैं। ये दिखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत टेस्टी है और बहुत ही आसानी से मैंने इसे बनाया है, और बहुत ही कम चीज़ों से ये हमारा अंडा सोयाबीन मसाला बन जाता है। तो देखिए किस तरह हम इसे बनाते हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 अंडे उबाल के लिए हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस का फ्लेम फास्ट है। हम 1 चम्मच तेल मिलाएंगे और बॉईल किए हुए अंडे को फ्राई करेंगे। उससे पहले हम डालेंगे 1 चुटकी हल्दी और 1/4 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे तेल में। मीडियम फ्लेम पर रखे हैं हमने गैस को, ताकि हमारा मसाला जले ना। अब हम एक एक करके अंडा इसमें डालते रहेंगे, आप देखिए, और हम इसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं। आप देख सकते हैं अंडे का कलर बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और हम इसे थोड़ी थोड़ी देर से इसकी जगह चेंज करते रहेंगे। आप देखिए हमारा अंडा फ्राई हो गया है बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से। मैंने इसे बॉईल करके ली थी, आप भी इसे बॉईल करके लीजिए। बॉईल करना तो बहुत आसान है, आप सबको आता ही है, ये कोई सिखाने वाली बात थोड़ी ना है। देखिए अब हम इसे साइड में रखेंगे, हमारे अंडे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 2 प्याज लिए हैं और 4 टमाटर लिए हैं। इन दोनों को अलग अलग पीसेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसमें 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। गैस का फ्लेम फास्ट है। तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 3 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी, 1 छोटी इलायची, 5 काला मिरी और 3 लौंग। बस इतना ही शॉर्टकट हम बना रहे हैं। बस मसाले की खुशबू आनी चाहिए हमारे मसाले में। देखिए अब हम इसमें डाल रहे हैं पिसा हुआ प्याज। जी हाँ, जो हमने प्याज पीसे थे 2, इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि अलग अलग पीसिए, क्योंकि हमें इसे अच्छी तरह अलग से फ्राई करना है। अब हम इसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर से चलाते रहेंगे। मेरी आवाज़ बैठी है, तबीयत थोड़ी नरम थी, अभी भी आवाज़ में फ़र्क है, तो एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़। देखिए हमारा प्याज अच्छी तरह गुलाबी हो गया है। 1 चम्मच रेड चिल्ली जो हमने पीस के लिए है, अगर आपके पास नहीं है तो ग्रीन चिल्ली पेस्ट भी डाल सकते हो आप, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इन दोनों को अच्छी तरह आपस में मिला देंगे। देखिए हम झटपट मसाला बना रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब हमने जो टमाटर पीस के लिए थे उसकी प्यूरी मिलाएंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप देखते ही रह जाएंगे और हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। मेरा गला बैठ गया था, आवाज़ सर्दी हो गई थी। सर्दी तो अब कम हो गई है, लेकिन आवाज़ में फ़र्क नहीं हुआ है। अब हम मसाले मिलाएंगे। 1 चम्मच लाल मसाला, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला। बस आप तो जानते हैं मैं इन 5 चीज़ों से ही ज़्यादा खाना बनाती हूँ। ये तमाम चीज़ें मुझे हमेशा लगती है, और आप यकीन कीजिए इन 5 चीज़ों से ही हमारा खाना मेन अच्छी तरह बन जाता है। अगर ये 5 चीज़ों में से 1 चीज़ भी कम हो तो हमारा खाना टेस्टी नहीं बनेगा। तब हम मसाले को अच्छी तरह भून रहे हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा पानी मिक्सर का जार धो के डाली हूँ, 2-3 चम्मच डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले हैं। अब हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह पक जाए, 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। ठीक है, देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हम चेक करके दिखा रहे हैं आपको। मसाला अच्छी तरह भूनिए 5 मिनट तक,
ताकि तमाम कच्ची महक मसाले में से निकल जाए। यहाँ पे मैंने सोयाबीन ली हूँ 100 ग्राम, इसे मैंने धो के भिगाई थी 1 घंटा पहले। अब हमारे भुने हुए मसाले में हम सोयाबीन डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। देखिए 100 ग्राम है तो मैं पूरा एक ही साथ डाल रही हूँ, क्योंकि मिलाने में आसानी है, ज़्यादा नहीं है ये। आप देखते रह जाएंगे और हमारा सोयाबीन अंडा सोयाबीन मसाला बनके रेडी भी हो जाएगा। और आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ताकतवर भी है। इसी बहाने बच्चे अंडे भी खाएंगे और सोयाबीन भी खा लेंगे। अब हम इसमें दही मिलाएंगे, 100 ग्राम दही यहाँ पे मैंने ली हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दही जब हम इसमें मिलाते हैं तो, और हमारा मसाला भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आप यकीन कीजिए जितना खूबसूरत है उतना टेस्टी भी है। इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले का असली टेस्ट भूनने से आता है, जितना हम इसे भूनेंगे उतना टेस्टी बनेगा। पहले हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे स्लो फ्लेम पे, ताकि हमारे सोयाबीन भी अच्छी तरह नरम हो जाए। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम खोल के चेक करेंगे। देखिए तमाम मसाले का पानी सूख गया है, यानी सोयाबीन के अंदर जो पानी था वो भी सूख गया है। हमने तो उसे निचोड़ कर ही डाला था, जिस तरह हमने आगे सोयाबीन का मसाला बनाए थे पिछली बार, बिल्कुल उसी तरह पानी निकाल के डाले थे। आप देख सकते हैं पूरा पानी सूख गया है। अब हम इसे कंटिन्यू 5 मिनट तक फ्राई करते रहेंगे मीडियम फ्लेम पर। देखिए मैं इसे फ्राई करते जा रही हूँ। अब हम गैस का फ्लेम फास्ट करेंगे ताकि हमारा फ्राई झटपट हो जाए। देखिए सोयाबीन पक गया है, मैं आपको तोड़ के दिखाई हूँ। देखिए ना, आपने 2 टुकड़े आसानी से हो गए इसके। हम इसे भूनते भी रहेंगे ताकि तमाम मसाले की जो कच्ची महक है वो निकल जाए और हमारा मसाला बहुत ही टेस्टी हो जाए। अब हम इसमें अंडे डालेंगे, फ्राई किए हुए अंडे। देखिए मसाले का कलर और अंडों का कलर सेम हो गया है और बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं मसाले में जाके अंडे। अब हम मसाले में अंडे को मिक्स करेंगे बहुत ही संभाल के। देखिए अंडे टूटना नहीं चाहिए, ताकि तमाम मसाले का फ्लेवर अंडे में आ जाए और अंडे का फ्लेवर मसाले में समा जाए। देखिए अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए ढक के पका रहे हैं, ज़्यादा नहीं, मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे ढक के पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हो गए हैं, आप देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह भुना गया था, हमने अच्छे से भुने थे। अब अंडे का फ्लेवर इसमें आ गया है, मैं इसमें आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ ताकि थोड़ा हल्का ग्रेवी जैसा हो, लेकिन कोई बात नहीं, ये मसाला है हमारा। अगर आपको ज़्यादा गीला चाहिए तो आप 1 ग्लास पानी डाल सकते हो। ये पानी तो हमारा मसाला भूनते भूनते ही सूख जाएगा। देखिए अब हम इसे मसाले को 1 चम्मच मैगी मसाला डाल रही हूँ मैं टेस्ट के लिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन मैगी मसाला डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे मसाले को, और अंडा मसाला इतना टेस्टी होगा कि सब लोग शौक से खाएंगे। अब हमारा अंडा मसाला बनने के लिए बहुत ही आखिरी स्टेज पे है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसे स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, ठीक है? 5 मिनट के बाद याद से गैस बंद कर दीजिए। अब हमारा अंडा सोयाबीन मसाला खाने के लिए तैयार है। देखिए सर्व करने के बाद और भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। मैंने इसके ऊपर दही से सजाई हूँ तो दिखने में भी खूबसूरत है और खाने में भी टेस्टी है। और मैंने कहा था ना, आधा ग्लास पानी जो हम डालेंगे ये सूख जाएगा, तो ये मसाले में अच्छी तरह सूख गया है। अगर आपको ग्रेवी टाइप चाहिए तो आप 1 ग्लास पानी मिला सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हो, फिर कोई कोई लोग डिलीट कर देते हैं। क्यों करते हो आप ऐसा? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हो तो बहुत ही खुशी होती है, मगर जब देखती हूँ कि डिलीट हो गया तो बहुत बुरा लगता है। तो आपको मेरा खाना बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मुझे दिल से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगता है। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।